गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है, ये है इस गाड़ी के एसी वेंट। ये चीज आपको तीनों जैगुआर के अंदर कॉमन मिलने वाली है। और हॉर्न जो है हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि 1.25 करोड़ की गाड़ी के अंदर किस तरह का हॉर्न आता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं लास्ट में जो है तीनों कार्स का जो है साउंड सिस्टम आपको दिखा दूंगा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, मेरा नाम है ओमकार और आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं तीन जैगुआर की गाड़ियों के अंदर, जो कि आप यहाँ पे मेरे साइड में देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाली गाड़ी है हमारे पास जैगुआर की XF, दूसरी है हमारे पास जैगुआर की FPS और तीसरी है हमारे पास जैगुआर की XJL। तो ये तीनों कार्स के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले कि आपको क्या क्या जो सिमिलरिटीज मिलती है, क्या क्या डिफरेंस मिलता है, बिकॉज जो प्राइस डिफरेंस है तीनों कार्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़, ये तीनों कार्स जो है नासिक के कार मॉल के अंदर सेल के लिए भी अवेलेबल है, तो आप इनको जो खरीद भी पाओगे। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों कार्स की डिटेल्स भी बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी कितने प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए और चलिए अभी जल्दी से कार्स देखते हैं। तो ये है तीनों जैगुआर जिनकी आज हम बात करने वाले हैं और ये है इन कार्स की कीज, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो जैगुआर FPS है और जो जैगुआर XF है, ये दोनों कार्स की जो कीज है ऑलमोस्ट सेम है, बट जो जैगुआर XJL है ना, इसकी की थोड़ी सी अलग है, थोड़ी ज्यादा प्रीमियम है। बिकॉज ये गाड़ी जो है थोड़ी ज्यादा लग्जरियस है तो की तो थोड़ी ज्यादा प्रीमियम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लुक्स आपको किस तरह से मिलती है। तीनों कार्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें जो है कॉमन मिलती है, कुछ चीज़ें आपको काफ़ी डिफरेंट मिलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम प्राइस के बारे में भी बात करने वाले कि ये गाड़ियाँ यहाँ पे कितने कीमत में अवेलेबल है। सो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ये जो जैगुआर XJL है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो इस गाड़ी की जो लेंथ है ना, ये है 5.2 मीटर्स की, काफ़ी ज़्यादा लंबी गाड़ी है, इसको लिमोजिन भी कहा जाता है। गाड़ी के अंदर आपको जो ये 19 इंचेस के अलॉयज आते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोफाइल है वो किस तरह से है। और ये है जैगुआर की FPS, तो ये थोड़ा सा रिसेंट मॉडल है, शायद से 2015-16 का मॉडल है। तो इसकी लुक्स आपको थोड़ी सी जो है अलग मिलती है, थोड़ी नई लुक्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर भी आपको जो ये 19 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं, तो प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं और लुक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो जैगुआर XJL है ना, ये एक ब्लैक कलर में है, आपको थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा होगा बट ये ब्लैक कलर है। और ये जो जैगुआर FPS है ना, ये वाइट कलर में है। अगेन जो जैगुआर XF है ना, ये ब्लैक कलर में है और यहाँ पे आप इसकी भी जो ये लुक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों कार्स के अंदर आपको जो ये थोड़ी सी लुक्स जो है सिमिलर मिलेगी, बिकॉज जैगुआर की गाड़ियाँ है तो लुक्स थोड़ी सी सिमिलर होनी चाहिए ना। हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं थोड़े से एक जैसे दिखते हैं और जो सामने की ग्रिल है ना, वो तो मैं कहूँगा कि पूरी एक जैसी दिखती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको गाड़ियों के अंदर सेम मिलती है। अदरवाइज आप इसके भी देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर जो है 17 इंचेस के अलॉयज आते हैं, जिनकी आप प्रोफाइल देख पाओगे। और गाड़ियों की अगर मैं आपको पीछे से लुक दिखाऊँ ना, तो गाड़ियाँ कुछ इस तरह से दिखती है। ये है जैगुआर की XF, बाद में हम देख सकते हैं कि ये है जैगुआर की FPS और उसके आगे है अपनी जैगुआर की XJL। तो तीनों कार्स की पीछे से जो लुक है ना, वो पूरी अलग है। आपको कुछ भी जो है इन तीनों कार्स के अंदर पीछे से सेम नहीं मिलेगा, बस ये जैगुआर का लोगो आपको जो है यहाँ पे सेम मिल जाता है तीनों कार्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जैगुआर XF से कि आपको इस गाड़ी के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें मिलती है, बिकॉज ये जो ये अपने पास आई हुई सबसे मतलब सस्ती गाड़ी है तीनों कार्स में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, बिकॉज ये भी एक काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है। इसके अंदर भी आपको जो है काफ़ी लग्जरियस जो है टचेस मिलते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिश मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डोर्स के अंदर जो है उड़न की फिनिशिंग दी गई है और ये एक 2.2 डीजल मॉडल है, मतलब 2.2 लीटर के इंजन के साथ आती है ये गाड़ी और ये एक डीजल गाड़ी है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पे जैगुआर की स्कफ प्लेट मिलती है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स है। बट मेन चीज़ आपको दिखाने जैसी ये है कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो किस तरह से मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो ये AC के वेंट्स कहाँ पे भी नहीं दिखेंगे, बिकॉज ये जो ये अपने आप से घूम जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं इंजन स्टार्ट करूँ तो इसका जो गियर नॉब है और ये जो AC के वेंट्स है ना, ये अपने आप से बाहर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है, ये है इस गाड़ी के AC वेंट्स, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से घूम के बाहर आते हैं। काफ़ी अलग ही लगता है, मतलब काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे ये जो गियर नॉब है वो भी अपने आप से ऊपर आ जाता है। वैसे तीनों कार्स के अंदर आपको ये सेम चीज़ मिलेगी ये, बट ये जो AC के वेंट्स है ना, ये तीनों कार्स के अंदर ऐसे नहीं है, तीनों कार्स के अंदर डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुछ स्टोरेज की स्पेस। यहाँ पे आपको अगेन दो कप होल्डर्स मिलते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है गाड़ी के अंदर दिया गया है। कुछ मोड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है, ऊपर के साइड में आपको एक सनरूफ जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इस गाड़ी का सनरूफ और यहाँ पे आप जो ये
वैनिटी मिरर्स वगैरह भी देख पाओगे विद लाइट है। ड्राइवर के साइड में भी आपको सेम चीज मिलती है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे फीचर्स बता के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो किस तरह से है। यहाँ पे मैं इग्निशन को जो ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से बंद हो रही है जो इसकी एसी की वेंट्स है वो फिर से बंद हो चुकी है। और जो स्टेयरिंग है इसके अंदर आपको जो है काफी प्रीमियम फील आता है। गाड़ी के अंदर आपको जो पैडल शिफ्टर जो है देखने को मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं पूरा ही एनालॉग है, बीच में आपको सिर्फ एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है। और ओवरऑल जो गाड़ी का अंदर का इंटीरियर है ना वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे आपको जो है लेदर फिनिश में पूरा ही सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। सो ये एक अगेन चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी का ग्लो बॉक्स जो कि वन टच में खुलता है। और चलते हैं पीछे के सीट्स के ऊपर, बिकॉज हमें तीनों गाड़ियां देखनी है आज, तो 10-15 मिनट में हमें तीनों गाड़ियां जो है कवर करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले सीट्स के ऊपर आपको जो ये क्या क्या चीजें मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेयर एसी के ब्लोअर्स, और ये है कुछ इंटीरियर आपको जो इस गाड़ी के अंदर मिलता है पिछले सीट्स के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बात करते हैं गाड़ी के डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे मैं आपको गाड़ी का ईयर जो है सबसे पहले बता देता हूँ। 2013 की गाड़ी है और ये एक सिंगल ओनर कार है। 31,000 किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है। कंडीशन आपने देखी है कि कितनी अच्छी कंडीशन के साथ आपको ये गाड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट की है 19,75,000 रुपीज, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। और गाड़ी के ऊपर आपको जो है फाइनेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आप 13,80,000 तक इस गाड़ी के ऊपर जो है फाइनेंस कर पाओगे। तो ये है कुछ इस गाड़ी की डिटेल्स। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली गाड़ी की तरफ, जो कि है जैगवर की एफ पेस। तो ये जो ये रिसेंट मॉडल है 2016 की गाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी की लुक्स है ना वो कितनी ज्यादा तगड़ी है, बिकॉज ये तीनों कार्स में से एकलौती एक एसयूवी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफी ज्यादा जो है देखने को मिल जाएगा। हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं, आपको एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स इस गाड़ी के अंदर मिलती है, और फॉग लैम्प्स भी आपको नीचे के साइड में जो है देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन एलईडी फॉग लैम्प्स है। बाकी जो गाड़ी की लुक्स है वो पूरे ही बीस्ट है। वैसे तो ये गाड़ी व्हाइट कलर में है, बट व्हाइट कलर में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सो गाड़ी की मैं आपको ओवरऑल जो पीछे की और आगे की लुक्स है ना वो दिखा चुका हूँ, बट स्टिल आप एक बार फिर से देख सकते हैं। और हम डायरेक्टली चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, जहाँ पे मैं आपको इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बता देता हूँ। सो गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो गाड़ी की हाइट है वो किस तरह से है। और यहाँ पे मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डैशबोर्ड है वो किस तरह से है। बहुत ही मस्त गाड़ी है यार, क्या कहूँ मैं। जैगवार के अंदर आपको एक अलग ही टच मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको तीनों जैगवार के अंदर कॉमन मिलने वाली है, जो कि है इस गाड़ी का गियर नॉब। कंडीशन तो इसकी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे सामने के साइड में। तो इसके अंदर आपको जो है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से कुछ और रिसेंट फीचर जो है देखने को मिल जाते हैं। और गाड़ी के अंदर आपको एक बड़ा सा सनरूफ भी मिलता है। तो फिर से एक बार मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सनरूफ है आपको किस तरह से मिलता है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, तो ये भी एक डीजल गाड़ी है, और सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कंफर्टेबल है। इस गाड़ी के अंदर भी आपको जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। इसका जो सनरूफ है वो खुल चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सनरूफ है। और इसको मैं बंद कर लेता हूँ, वाइजर को भी मैं बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंद होता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कप होल्डर्स है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है यहाँ पे, और कुछ आपको मोड्स मिलते हैं, इको मोड वगैरह सारे कुछ मोड्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। ये है स्टोरेज स्पेस जहाँ पे आप कुछ सामान जो है रख पाओगे। तो यहाँ पे आप इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग देख सकते हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे जो है कंट्रोल्स मिलते हैं। अगेन ये गाड़ी के अंदर भी आपको जो ये पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, तो एक प्रीमियम गाड़ी के अंदर ये चीज तो काफी हद तक होती है। और 45,000 किलोमीटर जो गाड़ी चल चुकी है। एक बार मैं आपको इस गाड़ी की जो पीछे की सीट्स भी दिखा देता हूँ, उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 3 मेमोरी सीट के कंट्रोल्स मिलते हैं। और गाड़ी को मैं बंद कर लेता हूँ, तो चलते हैं गाड़ी के पिछले सीट्स के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको पीछे के साइड में आपको क्या क्या जो चीज़ें मिलती है उसकी बात करता हूँ। सो ये है गाड़ी का रेयर लुक, जहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर जो है 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। तो आपको पीछे के साइड में भी जो है टेम्परेचर मीटर मिलता है, और चेंज करने के लिए आपको जो है टॉगल्स मिलता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंडरेस्ट में आपको जो है दो कप होल्डर्स मिलते हैं। सनरूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे तक आता है। और ये है इस गाड़ी की पिछली सीट्स। सो ये है गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन। वैसे इस गाड़ी की जो डील है वो अभी ऑन है, मतलब ये गाड़ी जो है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि तीनों जैगवार अवेलेबल है, तो इन तीनों कार्स का क्यों ना एक कंपैरिजन बना लूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो गाड़ी की जो प्राइस है वो कोट की थी अराउंड 39 लाख रुपीज़। 2016 फर्स्ट ओनर गाड़ी है और 45,000 किलोमीटर चली हुई है, सो शायद से गाड़ी सोल्ड भी हो जाएगी। तो आप एक बार इंक्वायरी कर लेना अगर आपको ये लेनी है तो। बाद में ये देख लीजिए आप, ये है जैगवार की XJL जो कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है तीनों कार्स में से, बट ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, 2012 की गाड़ी है तो थोड़ी सी जो है बूढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक 3.0 डीजल मॉडल है, मतलब 3 लीटर के इंजन के साथ आती है, V6 इंजन है इस गाड़ी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऑलर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं। अगेन इस गाड़ी के अंदर भी आपको जो है ये पहली वाली गाड़ी की तरह प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और सेम दिखते हैं ये। मुझे तो लगता है कि जो पहली वाली गाड़ी है, मतलब जो जैगवार XF और जो जैगवार XJL है ना, ये दोनों जो है सामने से पूरी ही एक जैसी दिखती है, थोड़ी बहुत जो है अलग दिखती है बट ऑलमोस्ट जो है सेम दिखती है। और गाड़ी का रेयर लुक जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ, बट तभी भी मैं आपको फिर से एक बार जो है दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्मार्टली इसका जो पीछे का लुक है ना वो बनाया गया है, और यहाँ पे ये बटन दबा के जो इस गाड़ी की बूट खुल जाती है। तो यहाँ पे आप बूट स्पेस भी देख लीजिए, तीनों गाड़ियों की एक बार मैं आपको बूट भी दिखा देता हूँ। तो सबसे बड़ी इसके अंदर ही आती है आपको, ये गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी बूट है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक बूट है वैसे तो, आप यहाँ से जो इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ये बंद हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिकली ये खुल भी जाती है, तो ये अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, ये आपको कोई भी तकलीफ जो है नहीं देना चाहती। और ये है अपनी FPS, तो इसकी भी एक बार मैं आपको बूट जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये आपको हाथ से जो है ऊपर करनी पड़ेगी। और बूट स्पेस अगेन आपको इस गाड़ी के अंदर जो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। गाड़ी की मैं एक बार बूट बंद कर लेता हूँ, और ये एक 4-व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, 20D डीजल कार है, और ये है जैगवार XF की बूट। तो यहाँ पे आप इसकी भी एक बार जो है बूट देख लेना, जो बूट स्पेस है वो आपको इनफ जो है इस गाड़ी के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं जैगवार की XJL में, जहाँ पे मैं आपको इस गाड़ी का जो ये सुप्रीमली लग्जरियस जो है इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डोर पैनल से वही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आपको वुडन का जो है बहुत सारा टच मिलता है। यहाँ पे आप पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स देख सकते हैं, स्पीकर्स ट्वीटर्स आप सारी चीज़ें जो यहाँ पे देख सकते हैं। और वैसे अगर आपको तीनों कार्स का साउंड सिस्टम चेकआउट करवाना है ना, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं लास्ट में जो है तीनों कार्स का जो है साउंड सिस्टम आपको दिखा दूंगा। तो गाड़ी जो है 76,000 किलोमीटर चल चुकी है, आपको सामने के साइड में पूरा ही डिस्प्ले मिलता है। गाड़ी की अगर मैं नई गाड़ी की कीमत के बारे में बात करूँ ना, तो 1.25 करोड़ के आसपास से गाड़ी आती है, आती थी मतलब, अभी तो नहीं आती। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक एनालॉग क्लॉक मिलती है जैगवार की, आपको हर जगह पे जो है एकदम प्रीमियम टच जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक टच सेंसर मिलता है जिससे एक ग्लो बॉक्स जो है खुलता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल कंसोल आपको किस तरह से मिलता है। गाड़ी को एक बार मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ। सो ये गाड़ी का भी आप देख सकते हैं गियर नॉब जो है ऊपर आ गया, और यहाँ पे आप दो ग्लास रख सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे एस्ट्रे और लाइटर भी जो है दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी के सामने के साइड में। जो सीट्स है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल सीट्स है इस गाड़ी के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है पूरी ही। सनरूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से खुलता है, और ये स्प्लिट सेक्शन के साथ आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे के लिए अलग है और पीछे के लिए अलग है, आप इसको आगे के साइड को खोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज एक बार देख लेना कि ये किस तरह से खुलता है। और बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, गाड़ी को मैं बंद कर लेता हूँ। गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, स्टीयरिंग आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम लुक के साथ जो है दिया गया है, और हॉर्न जो है हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि 1.25 करोड़ की गाड़ी के अंदर किस तरह का हॉर्न आता है। भाई क्या हॉर्न है, हॉर्न भी काफी अलग है। सो चलते हैं गाड़ी के पिछले सीट्स के ऊपर, बिकॉज इस गाड़ी के अंदर आगे ही नहीं पीछे भी मजा आता है भाई। सो पीछे भी काफी प्रीमियम जो है आपको फीचर्स मिलते हैं। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स है, और कितने ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है फंक्शंस मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। ये पिछली सीट्स, यहाँ पे पिछली सीट्स भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है, और यहाँ पे आपको जो है कुछ सनवाइजर्स वगैरह मिलते हैं। वैसे आपको ये गाड़ी के अंदर भी ये चीज़ मिल जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ स्टोरेज जो है यहाँ पे मिल जाता है। तो ये अगेन कुछ चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर जो है देखने को मिलती है। सनरूफ आप देख सकते हैं, और बात करते हैं इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में। तो
जिसकी मैंने आपको कहा है कि ये थोड़ी पुरानी गाड़ी है, 2012 की गाड़ी है और 76,000 किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है, सेकेंड ओनर कार है। और इस गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना वो है 26 लाख रुपीज़, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। गाड़ी के ऊपर आपको फाइनेंस का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप अराउंड 18 लाख तक इस गाड़ी के ऊपर जो है फाइनेंस कर पाओगे। तो ये थी कुछ तीनों कार्स की डिटेल्स और डिफरेंस आपको कुछ इस तरह का जो है तीनों कार्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए, बिकॉज ये गाड़ियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखती है। तो इन गाड़ियों के लिए मेरे वीडियो को जो है लाइक कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसे अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में जो है तीनों कार्स की जो है साउंड टेस्ट जो है डालने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं मैं बैठा हूँ जैगुआर XF के अंदर और इसकी साउंड क्वालिटी। तो ये है जैगुआर F पेस और इसकी एक बार आप साउंड क्वालिटी चेकआउट कर लीजिए। तो ये है जैगुआर XJL और ये है इस गाड़ी की साउंड क्वालिटी। सो तीनों कार्स के साउंड क्वालिटी में से कौन सी आपको ज्यादा बेस्ट लगी ये आप मुझे नीचे कमेंट करें, और मुझे पर्सनली जो ये जैगुआर XJL की साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।